हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग स्टडीज़ कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना की स्टडी में हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम के बारे में ऑलरेडी स्टडीज़ कर चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनके गुणधर्म, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले से अपन स्टडी कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एटॉमिक मॉडल। परमाणु की संरचना, एटम की संरचना को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग जो मॉडल प्रस्तुत किए थे, मॉडल दिए थे, उन मॉडल की हम बात करेंगे। उस मॉडल में पहला मॉडल हम कंसिडर कर रहे हैं थॉमसन मॉडल। एटॉमिक मॉडल में फर्स्ट मॉडल की हम बात करें तो पहला मॉडल अपन ले रहे हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल थॉमसन एटॉमिक मॉडल कब दिया था? गिवन बाय जे.जे. थॉमसन कब दिया था? इन 1898। सन याद रखना आपको, 1898 में थॉमसन ने एटम का मॉडल दिया था। और 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे.जे. थॉमसन ने ही की थी, उसी थॉमसन ने एटम मॉडल दिया था। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम क्या होता है? थॉमसन साहब एटम के बारे में क्या बताते हैं? थॉमसन कह रहे हैं कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हुज रेडियस अबाउट द 10^-10 meter। थॉमसन कह रहा है कि एटम पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। एटम इज अ स्फीयर ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। और इसकी रेडियस होती है क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली 10^-10 meter। फिर थॉमसन ने क्या कहा कि इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर है, इस पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में, यानी पॉजिटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज जो होता है थॉमसन के अकॉर्डिंग इस एटम के अंदर यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर घेरे रहते हैं। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज थॉमसन के अकॉर्डिंग इस पूरे एटम में जो है समान रूप से वितरित रहता है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड, विच इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट एटम। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। थॉमसन कह रहा है कि एटम पॉजिटिव चार्ज का एक गोला होता है, और इस पॉजिटिव चार्ज के गोले के अंदर, पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन घेरे होते हैं। इस वजह से इस मॉडल की तुलना करते हैं किससे करते हैं? वाटर मेलन से, कह सकते हैं। थॉमसन के इसका जो दूसरा मॉडल जो है, इस मॉडल का नाम क्या रहेगा? थॉमसन मॉडल या मॉडल वाटर मेलन मॉडल। रेजिन मॉडल कह सकते हैं, प्लम पुडिंग रेजिन मॉडल कह सकते हैं। वाटर मेलन मॉडल का मीनिंग क्या होता है? जैसे तरबूज है, तरबूज के अंदर क्या होता है? रेड ईटिंग पार्ट जो होता है खाने वाला होता है। यहाँ पे एटम है, ये रेड ईटिंग पार्ट जो होता है खाने वाला पार्ट जो होता है, एक्ट एज अ, यहाँ पे जो रेड पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, और यहाँ पे ये ग्रीन पार्ट जो शो कर रहा है किसको कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, और ये कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है।
पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन चार्ज का थॉमसन ने मैग्नीट्यूड जो बताया था समान बताया था, इक्वल बताया था, दैट इज इंपॉर्टेंट केस ये है कि एटम इज चार्जिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थॉमसन एटम को इलेक्ट्रिकल या चार्जिकली उदासीन मानता है, न्यूट्रल मानता है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, बराबर होती है। पॉजिटिव चार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी। पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग पार्टिकल्स प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की उस टाइम डिस्कवरी नहीं हुई थी। हम ऑलरेडी पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटॉन 1919 में डिस्कवर किए थे और ये मॉडल दिया था। कब दिया था? इन 1898 में दिया था। इलेक्ट्रॉन शब्द आ रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इससे पहले हो चुकी थी 1897 में। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम इज इलेक्ट्रिकली और चार्जिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम इज चार्जिकली या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मीनिंग होता है पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर आगे जो है 1906 में थॉमसन को नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया था, नोबेल प्राइज का अवार्ड दिया था उसको, अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज। किस फील्ड में दिया था, किस केस में दिया था, इस बात की भी आपको ध्यान रखनी है। इस मॉडल के लिए उनको नोबेल प्राइज से नवाजा नहीं गया था। नोबेल प्राइज क्यों दिया गया था थॉमसन को? इन 1906 ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज। थॉमसन की मैं बात कर रहा हूँ। इन 1906 ही वॉज दैट मीन थॉमसन वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज। For investigation of theoretically and practically investigation of electric conductivity of gases, gases जो है electricity को conduct कर सकती है, इसकी theoretically और practically investigation के लिए इनको क्या दिया था? Nobel Prize दिया था for the theoretically and प्रैक्टिकली इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस। गैसेस है थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली जो है गैसे में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी के लिए इसको नोबेल प्राइज के लिए नवाजा गया था 1906 में थॉमसन को। और ये नोबेल प्राइज तो उनको दिया था किस फील्ड में दिया था? फिजिक्स की फील्ड में दिया था, केमिस्ट्री फील्ड से नहीं दिया था, इस बात का भी ध्यान रखना है। ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन मॉडल के बाद अगला मॉडल जो आता है रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। सेकंड मॉडल किसने दिया था एटम का, कौन सा आता है? रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड ने मॉडल कब दिया था? इन 1919। इस मॉडल का दूसरा नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल।
और इस मॉडल को जो है कंपेराइज किया था किसके साथ में, सोलर सिस्टम के साथ किया था, क्यों किया था, उसकी हम बात आगे करेंगे। ये मॉडल जो है किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था इन 1918। रदरफोर्ड के साथ में इनके दो स्टूडेंट जो थे, इनके दो स्कॉलर थे, रिसर्च थे, उनका नाम भी ध्यान रखना, उनका भी योगदान इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट था यूजली क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए। रदरफोर्ड तो हमें पता है लेकिन सवाल को एग्जामिनर ने पूछा है तो इसमें रदरफोर्ड के साथ साथ इन वैज्ञानिकों का नाम दे देते हैं। कभी कभी रदरफोर्ड का नाम ही नहीं दिया है तो आपको ध्यान रखना है कौन सा है, हैंस गीगर एंड अर्नेस्ट मर्सिडेस, दो वैज्ञानिक थे, दो इसके स्कॉलर थे। ये स्टूडेंट थे किसके, रदरफोर्ड के, उन स्टूडेंट्स का नाम ध्यान रखना है, हैंस गीगर एंड अर्नेस्ट मर्सिडेस। अर्नेस्ट मर्सिडेस एंड हैंस गीगर ने रदरफोर्ड के साथ मिलकर काम किया, ये इनके स्कॉलर थे, इन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया था। ये मॉडल क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स ने 0.00 नैनोमीटर थिकनेस की गोल्ड फॉइल ली, सोने की पन्नी ली, सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की। अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट से पहले आप अल्फा पार्टिकल को समझ लो। अल्फा पार्टिकल होते क्या है, ये हायर एनर्जेटिक डाई आयनिक हीलियन पार्टिकल्स होते हैं, हीलियन आयन्स होते हैं। इसके अपन तुलना कर सकते हैं किसके साथ में, अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू होता है किसके, कभी पर अल्फा पार्टिकल नहीं दे रखा है तो इसका मीनिंग अल्फा पार्टिकल, ये हायर एनर्जेटिक होते हैं, इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। हायर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, किसके इक्वलेंट होते हैं, किसके समतुल्य होते हैं, द्वि आयनिक हीलियन आयन के बराबर होते हैं। दैट मीन्स इसका मास नंबर 4 होता है और द्रव्यमान की बात करें तो क्या कंसिडर करेंगे, द्रव्यमान इसका 4 होता है, एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो ये 2 के इक्वलेंट होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटोन की बात करें 2 के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन इसमें 0 होता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये अल्फा पार्टिकल्स, हम यहाँ पे जो रदरफोर्ड मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक गोल्ड का एक एटम ले रहा हूँ इसको समझने के लिए ताकि हम आसानी से इसको इजीली समझें। सोने की पनी ली, गोल्ड फॉइल ली जिसकी थिकनेस बहुत ही कम थी, 0.001 नैनोमीटर थी, हालांकि मैं जो सर्कल बना रहा हूँ इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ये ऑर्बिट की खोज बाद में हुई थी लेकिन हम इसको आसानी से कैसे समझ सकते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये बोहर ने दी थी, बोहर मॉडल दिया था। एक एटम है, एक सिंगल एटम है, सिंगल एटम का ही सेंटर भाग है, सेंटर भाग के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होते हैं इसके बारे में आप लोग पहले ही जानते हो। इसको अपन क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। इसके बैक साइड में क्या रखा, एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस रखा, मेटल की प्लेट ली, धातु की प्लेट ली और धातु की प्लेट के ऊपर क्या किया था, फ्लोरोसेंट सब्सटेंस होते हैं, प्रतिदीप्त पदार्थ है, उनकी पॉलिश कर दी। प्रतिदीप्त के रूप में, पॉलिश के रूप में किस पदार्थ को कंसिडर करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है, या तो जेड एनओएच होता है या फिर क्या होता है पीबीएस। इनका रोल क्या होता है, जैसे इसके ऊपर ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर गिरते हैं तो ये क्या करता है, चमकीला ब्राइट स्पॉट देता है, ये पॉलिश है किसकी, फ्लोरोसेंट की। सब्सटेंस फॉर्म में किसको कंसिडर किया जाता है, या तो जेड एनओएच होता है या फिर कौन होता है पीबीएस होता है। अब देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, यहां पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल कंसिडर किया जिसको डिटेक्टर बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की कहां पे, बमबारी की कहां पे, इस सोने की पन्नी के ऊपर। इस यहाँ पे क्या करेगा, ये जो पीछे की जो वॉल है दीवार, इस दीवार के ऊपर जहाँ पे जिस जगह पे अल्फा पार्टिकल टकराता है वहाँ पे क्या करता है, एक चमकीला ब्राइट स्पॉट बनाता है।
ये सभी अल्फा पार्टिकल्स हैं। अब देखिए रदरफोर्ड क्या ऑब्जर्व करता है। जब रदरफोर्ड ने हायर एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को सोने की पत्ती की ऊपर इसकी बॉम्बार्डमेंट की, जिसमें अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधे बिना किसी विस्थापन के विदाउट एनी डिफ्लेक्शन डायरेक्टली पास थ्रू द गोल्ड फॉइल सोने की पन्नी को पार करते हुए सीधे निकले हैं। फिर अल्फा पार्टिकल्स आर स्मॉल डिफ्लेक्टेड एट ए स्मॉल एंगल। इस अल्फा पार्टिकल की बात करें तो स्मॉल एंगल पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट होता है। आउट ऑफ 18 to 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, 18 से 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में एक अल्फा पार्टिकल्स वापस उसी दिशा में लौट के आता है जिस दिशा में हमने इसको भेजा था, मतलब रदरफोर्ड ने भेजा था। ये परिघटना जो है, इस प्रकार की जो ऑब्जर्वेशन जो इसको मिला है, इसका रिजल्ट जो मिला है, ये इसको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, सरप्राइज करने वाला रिजल्ट था। ऐसा क्या हुआ, ऐसा एटम है क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। अब इस तीन एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग पहला क्या था, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले जाते हैं, कुछ ही अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट एट स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, एंड आउट ऑफ 18 to 20,000 अल्फा पार्टिकल्स वन पार्टिकल इज कम बैक इन सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में लौट के आता है जिस डायरेक्शन में उसको भेजा था। अब इस प्रयोग से, इस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या रिजल्ट क्या निकाला, उसका रिजल्ट को देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकाला इसने, फर्स्ट पॉइंट का मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। कोई भी चीज है, जैसे इस मैं मार्कर, इस मार्कर को मैं क्या करता हूँ, ऐसे थ्रो करता हूँ तो मार्कर सीधा ही निकल जाता है इस विंडो से, इस डोर से, इसका मतलब इसके रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। मतलब रास्ता कैसा है, खाली जगह है। तो उसने बताया अल्फा पार्टिकल जो सीधे जा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एटम का अधिकांश भाग जो है वो कैसा होता है, रिक्त होता है, वैकेंट होता है, एम्प्टी होता है। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, पहला इसका रिजल्ट है। ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, अधिकांश एटम का भाग कैसा होता है, एम्प्टी होता। फिर सेकंड, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्मॉल एंगल पर। तो यहां से सेकंड रिजल्ट का जो इसने कंक्लूजन निकाला, क्या निकाला कि एटम के अंदर मास होता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होता है। थॉमसन ने कहा कि एटम के अंदर मास होता है, समान रूप से वितरित होता है। अगर यहाँ पे समान रूप से मास वितरित होता तो यहाँ पे ये पार्टिकल्स अधिकांश सीधे नहीं निकलते, इस पार्टिकल में रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट का कंक्लूजन क्या निकाला कि एटम का मास होता है, उस एटम के अंदर समान रूप से वितरित नहीं होता है। मास ऑफ एटम इज नॉट यूनिफॉर्मली स्प्रेड। स्प्रिटिनेट, एटम के अंदर मास होता है, समान रूप से वितरित नहीं होता है। थर्ड क्या बोलता है कि एटम का जो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, जो एक अल्फा पार्टिकल सीधा ही यहाँ से निकलता है, जो एटम का सेंटर पार्ट होता है यहाँ से डिफ्लेक्ट होता है, पूर्णतः डिफ्लेक्ट होता है। इससे थर्ड कंक्लूजन ही निकल रहा है कि एटम का जो मास होता है, यानी एटम का मास या एटम में जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो एटम के बहुत ही स्मॉल पोर्शन पे हाईली डेंस रहते हैं, हाईली कंसंट्रेट रहते हैं। उस स्मॉल पोर्शन को क्या बोला रदरफोर्ड ने, क्या बोला उस रदरफोर्ड ने, उस पार्टिकल को बोला न्यूक्लियस। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर हाईली डेंस, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कह सकते हैं, मास कह सकते हैं, मास of an atom is highly dense at small, at very small part of atom, जिसकी रेडियस क्या है,
उस स्मॉल पार्ट की रेडियस 10^-15 मीटर। दिस स्मॉल रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। इस स्मॉल रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। दैट इज न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। इसी न्यूक्लियस के अंदर, स्मॉल रीजन के अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स होते हैं। मास ऑफ एटम जो होता है प्रोटॉन के द्वारा डिटरमाइन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों के द्वारा डिटरमाइन होता है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि मास ऑफ एटम जो होता है सेंटर पे एक्यूमुलेट रहता है, सेंटर पे क्या होता है कंसंट्रेट रहता है, फोकस रहता है। दैट मीन्स एटम का जो सेंटर है उस सेंटर को क्या बोला? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस बोला। तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तभी तो क्या होगा, ये जैसे न्यूक्लियस के पास में आते हैं इनमें पार्टिकल्स हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, ये वापस कम बैक कर रहे हैं, रीबैक कर रहे हैं। अब हमें थोड़ा सा और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो न्यूक्लियस टर्म जो आता है, न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी? इन 1919 में। तो न्यूक्लियस, देयरफॉर न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। देयरफॉर न्यूक्लियस वाज रदरफोर्ड। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने कही थी। कब की थी? इन 1919। अब रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के बारे में और क्या बताया? दैट मीन्स हम रदरफोर्ड के मॉडल की तुलना किससे कर सकते हैं? हमारे जो सोलर सिस्टम होता है उससे हम कर सकते हैं। ये सेंटर पार्ट होता है जो सनलाइट एक्ट करता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स उसका मास होता है एटम का यहाँ पे एक्यूमुलेट रहता है। मैथ दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, मास का मीनिंग है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मध्य जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। इनके मध्य फोर्स कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। इनके मध्य न्यूक्लियस और प्रोटॉन आपस में इस बल के द्वारा, इस फोर्स के द्वारा क्या होते हैं? कंबाइंड रहते हैं। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन किसका काम कर रहा है? एक्ट एज अ प्लैनेट। और सेंटर पार्ट जो होता है न्यूक्लियस होता है एक्ट एज अ सन। इस वजह से इसको, इस मॉडल को, रदरफोर्ड मॉडल को जो है हम कंपेराइज करते हैं, तुलना करते हैं किसके साथ में? सोलर सिस्टम से। पैनल, सोलर पैनल जो होता है सोलर सिस्टम है, इसके साथ इसकी तुलना करते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कौन सा मॉडल जो है सोलर सिस्टम पर बेस्ड है, तो कौन सा है? रदरफोर्ड मॉडल है। अब इस मॉडल में रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का जो छोटा सा पार्ट होता है जो सेंटर में रहता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसने न्यूक्लियस का जो साइज होता है और एटम के साइज होता है, न्यूक्लियस होता है एटम की साइज की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। थॉम्सन ने क्या बताया कि थॉम्सन ने बताया एटम की जो रेडियस होती है कितनी होती है? 10^-15 मीटर होती है, सॉरी 10 मीटर होती है। और रदरफोर्ड ने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है इसकी रेडियस होती है 10^-15 मीटर होती है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं इसमें रीजन, इसमें अगर मैं रिलेशन की बात करूँ साइज ऑफ एटम एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस की, तो हमें क्या मिलेगा? साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 10^5 टाइम्स द रेडियस, या साइज ऑफ रेडियस की मैं बात कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ एटम। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, एटम का वॉल्यूम जो होता है, देखिए एटम जो होता है कैसा होता है? स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ पे r जो होता है रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं। तो एटम की रेडियस और न्यूक्लियस की रेडियस के का वॉल्यूम जो होता है, उस वॉल्यूम में हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 10^15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। एटम का वॉल्यूम जो होता है न्यूक्लियस के वॉल्यूम से 10^15 टाइम्स होता है, 15 टाइम्स होता है, रिलेशन इसका ये है। और हम अगर एरिया की बात करें, एरिया ऑफ एटम और एरिया ऑफ न्यूक्लियस में अगर रिलेशन देखें तो एटम का एरिया जो होता है न्यूक्लियस के एरिया से क्या होता है? 10^10 टाइम्स ग्रेटर होता है।
ये तीनों रिलेशन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो है इसके बारे में आपको पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसकी कमी क्या है, रदरफोर्ड मॉडल की वीकनेस क्या है। तो रदरफोर्ड क्या कहता है, जब एटम जो होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये न्यूक्लियस है, ये वर्ड बाद में आता है, और भी बोहर शैल की बात करते हैं अपन, न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता है, रोटेट होता है, तो उस केस में ये क्या करता है, कंटिन्यू ऊर्जा को क्या करता है, लॉस करता है, ऊर्जा का इमिशन या एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कंटिन्यू होता है। और दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि इनके मध्य क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है और इसके मध्य अट्रैक्शन होता है, और ये कह रहा है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंटिन्यू लूज देयर एनर्जी, एनर्जी को निरंतर रूप से लूज करता है। तो एक कंडीशन ऐसी आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता इसकी रेडियस क्या होती है, श्रिंक हो जानी चाहिए और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर समा जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एटम हाईली अनस्टेबल होता है और एटम की अस्तित्व खतरे में रहता है, खतरे में पड़ता है, मतलब एटम की संरचना संभव ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी उसकी कमी थी, सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन थी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।